इजी होममेड चॉकलेट स्प्रेड की रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। हेलो दोस्तों, मैं पूनम आपके अपने क्रेव किचन में स्वागत करती हूं। ज़्यादातर सभी बच्चों को चॉकलेट स्प्रेड बहुत पसंद होता है, तो क्यों नहीं आप भी इसे मार्केट से ना लाकर घर पर बनाएं, वो भी कम खर्चे में। तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल स्मूथ और सिल्की चॉकलेट स्प्रेड। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। चॉकलेट स्प्रेड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है पाउडर शुगर। शक्कर को सिंपली मैंने मिक्सर में डाल के पीस लिया है, तो ये मैंने आधा कप ली है। ये इस तरह से मेजरमेंट कप्स आते हैं, तो ये आधा कप मैंने लिया है। और कोको पाउडर जो है ये मैंने 1/4 कप लिया है, आधा कप पाउडर शुगर, 1/4 कप कोको पाउडर। साथ ही में मैंने ये मैदा लिया है, तो ये इस तरह से बड़ा चम्मच जो होता है वो 1.5 लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों चीज़ों को हमने छान लेना है। तो मैं एक बाउल ले लेती हूँ, साथ में एक मैं स्ट्रेनर ले लेती हूँ और मैं इसमें डाल दूँगी ये तीनों चीज़ें और हम इसे छान लेंगे। छानने से क्या होगा, इसके अंदर अगर कोई टुकड़े वगैरह रह गए हों तो वो भी निकल जाते हैं और साथ ही में ये अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। तो मैदा भी हम डाल देते हैं और तीनों चीज़ों को हमने छान लेना है। तो ये देखिए हमने इसे छान लिया है और ये कुछ आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर शक्कर के मोटे टुकड़े जो हैं, जो नहीं पीसी गई है शक्कर वो रह गई है। ये हमारा छन चुका है, इसे हम क्या करेंगे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है ये फ्रेंड्स, 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। और अगर हम इसे घर में बनाते हैं तो कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं डालते हैं, इसे हम इसी तरह से बनाते हैं जो हेल्दी होता है बच्चों के लिए भी। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ, अपनी चॉकलेट स्प्रेड बनाना शुरू करते हैं। गैस को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ले ली है। मैं डाल रही हूँ बटर, ये अमूल का बटर मैंने यूज़ किया है, तो ये मैं डाल रही हूँ 2.5 बड़े चम्मच, टेबल स्पून। बटर को हम मेल्ट कर लेंगे। बटर यहाँ मेल्ट हो चुका है, तो इसमें अब हम दूध डाल देंगे। तो दूध मैंने मेजर करके रखा है, ये 1 कप और ऊपर 1/4 कप लिया है मैंने। सारा मैं इसमें नहीं डालूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें से दूध जो है रख दूंगी, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे यूज़ करूंगी। ये देखिए मैं इतना सा दूध इसमें से रख रही हूं। तो अब हम क्या करेंगे, इस दूध को बॉईल कर लेंगे। देख सकते हो यहां पर दूध जो है बॉईल हो चुका है। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे और जो हमने छान के रखी हैं ड्राई इन्ग्रीडियंट्स वो हम क्या करेंगे थोड़ी थोड़ी इसमें डालेंगे और साथ ही में मिक्स करते जाएंगे। एक साथ हमने इसे नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, साथ ही में हम इसे मिक्स करते जाएंगे। और डालती हूँ मैं, मिक्स कर लेते हैं। जब तक हम सारा चॉकलेट इसमें डाल नहीं देते हैं हम फ्लेम को जो है बिल्कुल लो रखेंगे। अब बाकी का बचा हुआ चॉकलेट भी हम इसमें डाल देते हैं। सारा चॉकलेट हमने यहाँ पर डाल दिया है, तो चलिए अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, ताकि सारा जो पाउडर है चॉकलेट है सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि जो मैंने दूध छोड़ दिया था वो मुझे इसमें डालना पड़ेगा, नहीं तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा और फिर अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ये बचा हुआ जो दूध है हम इसमें डाल देते हैं और सारी चीज़ों को हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैं फ्लेम को है फिर से हाई कर दूँगी, पर आपने इसे लगातार चलाना है। अगर आप इसे छोड़ दोगे तो चॉकलेट जो है वो जल्दी से नीचे लग जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी स्मूथ हमारा जो चॉकलेट स्प्रेड है बन के तैयार हो रहा है। थोड़ा सा इसे हम थिक कर लेंगे। चॉकलेट स्प्रेड हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है, इसे और ज़्यादा हम थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा अपने आप ही थिक हो जाएगा। और आपने देखा इसे हमने कितने जल्दी बना लिया, 5 मिनट में। अगर आपने सारी तैयारी करके रखी है तो गैस के ऊपर आपको इसे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे बनने के लिए। गैस की फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ। फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच वैनिला एसेंस। इससे जो है चॉकलेट स्प्रेड की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, और गैस की फ्लेम बंद करने के बाद ही आपने इसे ऐड करना है, नहीं तो क्या होता है इसका जो फ्लेवर है इसका जो एसेंस है पूरा उड़ जाता है। तो ये देखिए हमारा ये बन चुका है, तो चलिए इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। चॉकलेट स्प्रेड को मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। आप देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है कितनी प्रॉपर है, बहुत ही बढ़िया बना है ये और इजीली बन जाता है, और मार्केट से आपको ये काफ़ी सस्ता पड़ता है अगर आप इसे घर पे बनाते हो तो।
होममेड चॉकलेट स्प्रेड हमारा बन चुका है, तो चलिए हम एक ब्रेड के स्लाइस पे इसे लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने आराम से स्प्रेड हो रहा है। और बच्चों को तो चॉकलेट बहुत ही पसंद होती है, तो आप इस तरह से इसे बना के फ्रिज में रख सकते हो। 8-10 दिन आप इसे फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपने फिर से इसे फ्रेश बना लेना है। हमने क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किए हैं, तो बहुत ज़्यादा दिन तक हम इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे फ्रेंड्स, इसकी शाइन देखिए कितना अच्छे से ये शाइन भी हो रहा है। और आप इस स्प्रेड से फ्रेंड्स हॉट चॉकलेट बना सकते हो, कोल्ड चॉकलेट बना सकते हो बच्चों के लिए। दोनों स्लाइसेस पे हमने चॉकलेट स्प्रेड लगा के सैंडविच बना लिया है। आप इसे 4 पीसेस में कट करके या 2 पीसेस में कट करके बच्चों को सर्व कर सकते हो। और इस चॉकलेट स्प्रेड को फ्रेंड्स आप कपकेक्स अगर घर में बनाते हो तो एज अ फ्रॉस्टिंग आप इसे ऊपर लगा के बच्चों को दे सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये चॉकलेट स्प्रेड की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा देना, जिससे आपको मेरे अगले रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। फिर जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।